आज मैं कुछ सिनेरियोस बताऊंगी और आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे। इन सवालों के कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, आप बस उस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे। सो रेडी। सिनेरियो वन, आप एक रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं और ट्रैक पर 5 लोग काम कर रहे हैं। सबने कान में नॉइस कैंसिलेशन ईयर मफ्स पहने हैं। इतने में आपने देखा कि उनके पीछे से एक ट्रेन आ रही है और वो लोग ट्रेन की आवाज सुन नहीं सकते। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनके पास जाके उन्हें हटा सकें, पर अच्छी बात यह है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ एक लिवर है जो ट्रेन को दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ट कर देगी और इन 5 की जान बच जाएगी। तो आप क्या करेंगे? होपफुली आपने बोला होगा कि आप लिवर खींचेंगे। सिनेरियो टू, आप इसी सिनेरियो को थोड़ा एडवांस करेंगे। सब कुछ सिनेरियो वन जैसा ही है, पर अब ट्रैक 2 पर एक आदमी खड़ा है, तो अगर आप लिवर पुल करेंगे तो एक मरेगा, नहीं करेंगे तो 5 मरेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने इन दोनों में से एक चीज कही होगी कि ऑफकोर्स मैं लिवर पुल करूंगा, या आपने कहा होगा कि मुझे किसी का खून अपने हाथों पे नहीं चाहिए भाई। डोंट वरी, जैसे मैंने कहा, इसमें कोई गलत या सही जवाब नहीं है। ये सिनेरियो एक बहुत पॉपुलर एथिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है फिलिपा फुट का, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थी जिन्होंने 1967 में ये प्रपोज किया था, और तब से इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेस किए गए हैं। तो इसमें फिलिपा ने ये स्टडी करने की कोशिश की कि हमारे एथिक्स किस कैटेगरी के होते हैं, डियोंटोलॉजिकल या कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से आपका काम गलत या सही साबित होता है आपके काम के कॉन्सिक्वेंस से। इसके एक सब ग्रुप यूटिलिटेरिज्म का प्रिंसिपल है ग्रेटर गुड, मतलब हमें हमेशा वही करना चाहिए जो ओवरऑल पॉपुलेशन को बेनिफिट करे। तो अब आपने इस सिनेरियो में लिवर पुल करना चूज किया, तो आप यूटिलिटेरिज्म की तरह सोच रखते हैं, 5 जिंदगियां बचाएंगे वर्सेस 1 जिंदगी। इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल वेद व्यास के ये पद्य में भी देखा गया है, जिसका मतलब है कि परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग हो सकता है, गांव की रक्षा के लिए एक परिवार का त्याग, और देश की रक्षा के लिए एक गांव का त्याग कर सकते हैं। अब अगर आपने कहा कि आप लिवरपूल नहीं करेंगे, तो आपके एथिक्स डियोंटोलॉजिकल हैं, जहां आपका काम कुछ उसूलों के हिसाब से या तो सही होगा या गलत, ना कि काम के रिजल्ट के हिसाब से। एक आदमी को भी मारना गलत है, बस। तो अब आपने समझ ही लिया होगा कि आप किस एथिकल ग्रुप से एफिलिएट करते हैं। गुड, चलो एक और सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो 3। अब इस सिनेरियो में ट्रैक में 5 आदमी हैं और ट्रेन उनके पीछे से आ रही है और उनको नहीं पता चल रहा। वहाँ कोई दूसरा ट्रैक नहीं है और कोई लिवर भी नहीं है। आप एक ब्रिज पे खड़े हैं और सडनली आप रियलाइज करते हैं कि आप इन 5 की जान बचा सकते हैं। कैसे? वहाँ एक बहुत मोटा आदमी है जिसको धक्का देने से वो ट्रेन के सामने गिरेगा और उसके वजन से ट्रेन रुक जाएगी, पर वो आदमी पक्का मर जाएगा, लेकिन वो 5 लोग जरूर बच जाएंगे इससे। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस आदमी को धक्का देंगे या 5 वर्कर्स को मरने देंगे? वेल, अगर आप ट्रूली यूटिलिटेरियन हैं, तो सिनेरियो 2 और 3 में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, बस सिनेरियो 3 में 5 जिंदगियों को बचाने का डिसीजन थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? जनरली इस टाइम पे लोग मुझे पूछते हैं कि इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है, जिसे हम रियल लाइफ में तो शायद ही कभी फेस करेंगे। तो 20 जून 2003 में ऐसा ही कुछ हुआ। एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फ्रेट ट्रेन जो लॉस एंजलिस जा रही थी, जिसमें बहुत सारा सामान जा रहा था, उसके कंट्रोल्स फेल हो गए थे। ऑपरेटर्स के पास 2 ही सिचुएशंस थी। पहली, वो फ्राइट ट्रेन ट्रैक 1 पे चल रही थी, जिसमें सामने से एक पैसेंजर ट्रेन भी आ रही थी, तो वो दोनों टकरा सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत कैजुअलिटीज होंगी। दूसरी, इस फ्राइट ट्रेन को ट्रैक 4 पे डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे वो डीरेल हो जाएगी और कुछ घरों से जाके टकरा जाएगी। ये थोड़े लेस पॉपुलेटेड घर थे। यहाँ ऑपरेटर्स ने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया, जिससे वो फ्राइट ट्रेन लो डेंसिटी घरों में जाके टकरा गई। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इस तरह के सवालों का जवाब पता करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है।
सोचिए 100 साल बाद जब हमारे चारों ओर रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी और उन्हें ऐसे सिनेरियो में डिसीजन लेना होगा, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे? सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार के सामने ये सिनेरियो आएगा तो उसे क्या करना होगा? राइट वाले कार में 5 लोग हैं और लेफ्ट में 2 और एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल है, तो किस कार को क्रैश करना चाहिए? अगर 2 वाले कार में 1 बेबी है तो क्या करना चाहिए? अगर दूसरे में 1 प्रेग्नेंट लेडी है तो? अगर कार में 1 नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है तो? ऐसे हजारों सिनेरियोस हमें प्रोग्राम में लिखना और फीड करना पड़ेगा, क्योंकि कार तो खुद डिसीजंस ले नहीं सकती। आप बताइए क्या करेंगे आप और कार को क्या करना चाहिए? इंटरेस्टिंगली इस पर कई सर्वेस किए गए हैं और इनके रिजल्ट काफी कंसिस्टेंट थे। सिनेरियो 2 में 90% लोगों ने कहा कि वो लिवर पुल कर देंगे और 1 आदमी को मरने देंगे, और सिनेरियो 3 में सिर्फ 10% लोगों ने कहा कि वो उस मोटे आदमी को धक्का देंगे। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब लोगों को पहले सिनेरियो 2 बताया और उसके बाद सिनेरियो 3 बताया, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो मोटे आदमी को धक्का दे देंगे, क्योंकि सिनेरियो 2 में ही उन्होंने डिसीजन ले लिया था उन 5 आदमियों को बचाने का। पर अगर किसी ग्रुप को डायरेक्टली सिनेरियो 3 प्रेजेंट किया गया तो धक्का देने वालों का परसेंटेज 10% से भी कम था। ये हमारी एक पिछली साइकोलॉजिकल वीडियो आस्किंग द राइट क्वेश्चन से कोरिलेट करता है। ये बातें सर्वे डेटा तक तो ठीक हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर नॉर्मल लोगों को इस सिनेरियो में रखेंगे तो क्या होगा? वेल, ये एक्सपेरिमेंट कभी किया नहीं गया एक्सपेरिमेंट के एथिक्स की वजह से, कि एक पार्टिसिपेंट को ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देना चाहिए कि नहीं। पर 2017 में माइकल स्टीवंस ने अपने माइंड फील्ड सीरीज में ये एक्सपेरिमेंट किया, वो भी एक्चुअल सब्जेक्ट्स के साथ। सिनेरियो 2 के सर्वे में अराउंड 90% लोगों ने कहा कि वो लिवर पुल करेंगे, पर माइकल ने जब एक्सपेरिमेंट किया पार्टिसिपेंट्स के साथ तो सिर्फ 2 ने ही लिवर पुल किया, मतलब 30% से भी कम। ये बताता है कि हमारी सोच कि हम ऐसा करेंगे और हम एक्चुअली क्या करेंगे, इसमें बहुत फर्क होता है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इनके बारे में सोचें, समझें कि हम क्यों कोई डिसीजन लेते हैं, इसमें हमारा कितना इन्फ्लुएंस है और कितना एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है। और फाइनली एंड होपफुली शायद हम आंसर कर पाएं उस इटर्नल क्वेश्चन का जिसे हजारों सालों से फिलोसफर्स आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है सही और क्या है गलत। Thanks for watching and keep thinking, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।